उत्तर प्रदेश के कानपुर में 1000 करोड़ की संपत्ति में कब्जाने के आरोपी वरिष्ठ पत्रकार अवनीत दीक्षित के वकील और उनकी पत्नी प्रतिमा दीक्षित ने पुलिस पर आपसी खुन्नस का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस पूरे मामले में पुलिस के पास कोई सबूत नहीं है और लगातार पुलिस झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रही है। कानपुर के संभागीय परिवहन अधिकारी राकेश कुमार सिंह के नेतृत्व में कानपुर आरटीओ कार्यालय की रूपरेखा बदल रही है। वहीं मुख्य द्वार पर आवंटित कार्य पटल विवरण का बोर्ड लगा दिया गया है और बोर्ड पर साफ तौर पर लिख दिया गया है कि कौन सा कार्य कौन करेगा और किस कक्ष में मिलेगा। संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि बदलाव की जरूरत थी, इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं। वाराणसी में सावन के शिवरात्रि और जुम्मे की नमाज के दिन माहौल गर्म दिखाई दिया। अस्थाई गेट को लेकर मुस्लिम पक्ष और प्रशासन आमने सामने आ गया। ज्ञानवापी परिसर के बाहर अस्थाई गेट लगाने का मुस्लिम नमाजियों ने विरोध किया। गेट नंबर 4 के पास जिला प्रशासन की ओर से अस्थाई गेट बनाया जा रहा था। शहर मुफ्ती ने कहा कि जब तक ये अस्थाई गेट नहीं हट जाता तब तक हम विरोध करते रहेंगे। हापुड़ में एक सड़क हादसे ने 2 कांवड़ियों की जान ले ली और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। गाजियाबाद के डिबाना गांव के एक कांवड़िए गंगाजल लेने के लिए गढ़ ब्रज घाट जा रहे थे, जब बाबूगढ़ क्षेत्र में उनका ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित हो गया। ट्रैक्टर के पीछे लगी ट्राली में से एक पलट गए जिससे हादसा हुआ। पुलिस ने घायलों को हापुड़ के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया है और गंभीर हालत में कुछ को मेरठ रेफर कर दिया। महोबा में पत्नी से विवाद पर पति ने खुद को गोली मार ली। घरेलू कलह में पहले बाइक को आग लगा दी फिर अपने आप को गोली मार ली। युवक की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बता दें आए दिन पति पत्नी के बीच मामूली विवाद की वारदात घटना का कारण बन गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। ललितपुर में करोड़ों रुपए की सरकारी चावल का खेला किया जा रहा था और इसका मुख्य आरोपी वरिष्ठ भाजपा नेता निकला। थाना कोतवाली ललितपुर पुलिस द्वारा रियायती मूल्य पर जनता को उपलब्ध कराए जाने वाले सरकारी योजना जैसे PDS, MDM, ICDS के फोर्टिफाइड राइस की फर्जी और कुछ रचित तरीके से बिल बनाकर चालबाजी करने के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी वरिष्ठ भाजपा नेता सहित 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इसमें पहले अभियुक्तों के कब्जे से 590 बोरियों में 357 कुंटल 60 किलो फोर्टिफाइड राइस को बरामद किया जा चुका है। झांसी के कोतवाली थाना क्षेत्र की सबसे तंग गली में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब 2 महिलाओं में अपनी गाड़ी का एक व्यापारिक दुकान के सामने रख दी। इस बात को लेकर व्यापारी और महिलाओं में कहासुनी हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने दुकान में घुसकर चप्पलों से पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने ले आई, जहां पर दोनों पक्षों में हंगामा जारी रहा। फिरोजाबाद में फलों की पेटी में छुपाकर ले जाई जा रही 85 पेटी अवैध शराब को पुलिस ने पकड़ा है और मौके से 1 आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि 2 भागने में सफल रहे। बता दें शराब तस्करी के लिए बिहार ले जाई जा रही थी। थाना पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। महाराजगंज के जंगल में कथा सुना रहे श्रद्धालुओं पर पेड़ गिर गया जिसमें 6 लोग घायल हो गए। आनन फानन में घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निचलोल में भर्ती कराया गया। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे और आज सावन के महाशिवरात्रि के मौके पर काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि नजूल भूमि विधेयक पर समाजवादी पार्टी के लोग विरोध कर रहे हैं। विधेयक अभी प्रवर समिति के पास है, ज्यादा बोलना ठीक नहीं है। सपा भविष्य में समाप्त होने वाली पार्टी है। भाजपा सांसद साक्षी महाराज के प्रतिनिधि ने तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार से 2 बाइक सवार युवकों को रौंद दिया। हादसे में एक युवक घायल हो गया। दोनों घायलों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहीं स्थानीय पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हादसे के बाद सांसद प्रतिनिधि मौके से फरार हो गया। मेरठ के बाबा औघड़नाथ मंदिर में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार से जल लेकर भोले शिव शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और मनोकामना मांगते हैं। सुबह 5 बजे से ही मंदिर के बाहर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई। धीरे धीरे सभी शिव भक्तों ने जलाभिषेक किया और भोले शंकर से आशीर्वाद लिया। इस दौरान वहां शिव भक्तों ने कहा कि इस मंदिर की खासियत है कि यहां जो भी मनोकामना मांगता है वो पूरी जरूर होती है। बहराइच में बिजनेस की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। इस दौरान टीम ने राजस्व निरीक्षक को घूस लेते गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई।